रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 140 किलोमीटर और हरिद्वार से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्रप्रयाग पर बद्रीनाथ की ओर से आने वाली अलकनंदा नदी और केदारनाथ की ओर से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम है। यहाँ से अलकनंदा श्रीनगर होते हुए देवप्रयाग की ओर बहती है। पुराणों के अनुसार नारद जी ने संगम पर स्थित एक शिला पर तपस्या की थी, जिसे नारद शिला कहते हैं। यहीं पर भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया था और नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी। श्रीनगर शहर का सुंदर दृश्य जो अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है। श्रीनगर ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए 105 किलोमीटर और कोटद्वार से पौड़ी होते हुए 140 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा अजय पाल ने 1500 ईस्वी में गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। 1894 में गोहना लेक डैम के फटने से पुराना श्रीनगर शहर नष्ट हो गया था और 1897 में ब्रिटिशर्स ने इसे फिर से बसाया था। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। अलकनंदा रुद्रप्रयाग से और भागीरथी गंगोत्री से उत्तरकाशी होते हुए देवप्रयाग में मिलती है और गंगा बनकर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की ओर बहती है।